जितने भी लोग नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। अगर वो इस खबर को बाकायदा तौर पर नजरअंदाज करेंगे तो उनके ऊपर जो है इस पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि केपीडीसीएल की जानिब से साफ तौर पर एक एडवाइजरी शाया की गई है जिसमें जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हो अंडर कंस्ट्रक्शन जो हो उन्हें वक्ती तौर जो है टीसी लेने को कहा, यानी कि टेम्परेरी कनेक्शन लेने को कहा है। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से तमाम बिल्डिंग ऑनर्स को जितनी भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है चाहे वो कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि आप इमीडिएटली तौर पर जो है अप्लाई कर दीजिए कनेक्शन के लिए, मगर कनेक्शन जो है टेम्परेरी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसी के साथ साथ साफ तौर पर यह भी हिदायत दी है तमाम जितने भी इलेक्ट्रिक सब डिवीजन ऑफिसर्स हैं उन्हें यह कहा है कि वक्ती तौर पर इस पर नजरसानी की जाए। और आपको बता दूं कि जितने भी ऑनर्स हैं उन्हें कहा गया है कि आप टेम्परेरी तौर पर जो है वो कनेक्शन ले लें, अगर आप नहीं लेते टेम्परेरी कनेक्शन पावर का तो आप पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से साफ तौर पर जितने भी लोग हैं जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी खासकर कश्मीर में ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बन रही हैं हाउसेस बन रहे हैं कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो जो भी बन रहे हैं उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और वक्ती तौर नज़दीकी जो भी आपके ऑफिस पड़ता है उस वहां जाकर जो आप टेम्परेरी पावर का कनेक्शन ले सकते हैं। और इस स्टेटमेंट में केपीडीसीएल की जानिब से यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है आपने बाकायदा तौर पर जरूरी है वाजिया है लेना। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप नहीं लेते तो आपके ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि जितने भी पावर कनेक्शंस आपको लेने हैं वो टेम्परेरी तौर पर फिलहाल वक्ती तौर पर लेने हैं। आमतौर पर क्या होता था कि जितने भी लोग अगर वो कोई घर बनाते हो या फिर इसी के साथ साथ कोई बिल्डिंग कमर्शियल हाउस बनाते हो कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हो तो वो पावर का कनेक्शन नहीं लेते पावर की लाइन नहीं लेते, उसके बाद वो काम उनका चालू रहता है और पावर की लाइन जो है वो चोरी से लेकर अपना काम बाकायदा तौर पर अंजाम देते हैं। और आपको ये भी बता दूं इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी लाइन चोरी की पकड़ी गई तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनमें वक्ती तौर पर ये कनेक्शन लेना लाजमी है। अगर नहीं लेंगे आप तो आपके ऊपर कार्रवाई लाई जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केपीडीसीएल नए नए ऑर्डर इजरा कर रहा है कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज पर सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से सख्त निजाम चल रहा है। फिलहाल निजाम की अगर बात करूं तो निजाम कैसा चल रहा है वो आप बखूबी जानते हैं। एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आप भी अप्लाई कर लीजिएगा, बाद में ना पछताइएगा। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।